टॉप फाइव बेस्ट लैपटॉप हो गेमिंग के लिए। तो भाई अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए एंड अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के बजट में आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। बात करते हैं सीधा नंबर फाइव की बात करते हैं। लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ भाई, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है या अगर आपने गेमिंग करनी है आप कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन आप नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग कर सकोगे, उसके साथ साथ भी अगर आपने 1080p पर वीडियो एडिटिंग करनी है आप नॉर्मली स्मूथली कर सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड मैं आपको दो या एक लैपटॉप ऐसा भी बताऊंगा जिस पर आप अगर आपने 4K ट्राई करना है आप वो भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फाइव की बात करते हैं। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है HP 14। को अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, आपको 41,000 के बजट में HP 14 इस स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। आपको i3 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ या 11th जनरेशन के साथ। अगर आप 11th जनरेशन के पास जाओगे तो वो आपको यार 43,000 के बजट में मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप 11th जनरेशन की ओर चले जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी। अगर मैं SSD की बात करूं, इसमें यार जो डाटा है ना वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है इस कंपैरिजन किया जाए HDD के साथ, ठीक है। 8GB रैम देखने को मिलेगी जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, ठीक है। प्लस आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, ठीक है। तो इसको नंबर फाइव पे रखने का सिर्फ एक रीज़न देखने को मिलता है कि आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, और कोई भी रीज़न नहीं है इसको नंबर फाइव पर रखने का। तो भी अगर आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है या अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। बस मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है या अगर आपने गेमिंग करनी है, बिकॉज आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है तो आपकी जो गेमिंग है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा अगर आप 8GB के पास जाओगे। अगर आप 16GB रैम की और जल जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। एंड आपको i3 देखने को मिलता है यार 10th एंड 11th जनरेशन के साथ, जो कि सच में तगड़े प्रोसेसर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखी है MI Notebook 14। को अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले ये लैपटॉप भी आपको 41,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। लैपटॉप का डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है। प्लस भाई अगर आपको एज अ स्टूडेंट भी चाहिए, एज अ ऑफिस वर्क के लिए भी चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग भी करनी है, अगर आपने गेमिंग भी करनी है, आप सभी के लिए बेस्ट डील हो सकता है। इसके सबसे पहले ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं, आपको इंटेल UHD ग्राफिक भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको MX 350 2GB ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप 2GB की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 46,000 के बजट में। एंड इसमें आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी। तो प्लस पॉइंट तो उस लैपटॉप के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका माइनस पॉइंट भी बता देता हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर फोर पर रखा। इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ, आपको 8GB रैम तो मिल जाते हैं लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर फोर पर रखा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको 8GB रैम तो मिल जाती है लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। वैसे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, बिल्ड क्वालिटी, उसके साथ साथ भी इसका ट्रैक पैड टच पैड भी बहुत ज़्यादा सही है। लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलती है, सबसे पहली बात आती है कि आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। मैं जितने भी आपको लैपटॉप बता रहा हूँ ना, उसकी किसी लैपटॉप में भी आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप नहीं मिलता, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है MI Notebook 14 का। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ या नंबर थ्री पर मैंने रखा है Lenovo IdeaPad Slim 3i को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले इसका बजट बहुत ज़्यादा सही आपको मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर थ्री पर रखा, बिकॉज अगर आपका बजट 40,000 से भी कम है, अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है Lenovo IdeaPad Slim 3i। प्लस अगर मैं इसके बजट रेंज की बात करूँ, आपको 37,000 के बजट में मिल जाता है। प्लस आपको इसके साथ Lenovo लैपटॉप बैग भी देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मैं उस लैपटॉप बैग की प्राइस की बात करूँ, वो आपको 2,000 के बजट में देखने को मिलता है। तो यार लैपटॉप का प्राइस हो जाता है 35,000 के बजट में। एंड भाई अगर आप 5% या 10% ऑफ ले लेते हो HDFC कार्ड पे या SBI कार्ड पे, इस लैपटॉप में आपको 5,000 लेस देखने को मिल जाएगा। तो इस लैपटॉप का प्राइस हो जाएगा 30,000 के बजट में। 30,000 के बजट में आपको बहुत तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, आपको i3 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ में मिल जाएगा, आपको 11th जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगा। भाई अगर आप 11th जनरेशन की ओर जा सकते हो आप देख लेना, अगर आपको 10th जनरेशन बहुत है तो आपको वो लैपटॉप भी बहुत तगड़ा मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। या 10th जनरेशन हो गया
गया या 11th जनरेशन हो गया, इतना इनका जो फर्क वगैरह नहीं होता, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो इस लैपटॉप को, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हो, उसके बाद भी अगर आप नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग भी करना चाहते हो, आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। प्लस आपको 8GB रैम देखने को मिल जाएगी, 12GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, लाइट वेट है। प्लस आपको MS ऑफिस भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन। तो यार लैपटॉप के मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी, अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आपको 8GB रैम मिल जाती है, लेकिन आपने अपग्रेड करनी ही करनी है, 12GB तक आपने रखनी ही रखनी है, ठीक है। अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, एंड अगर आप एज अ स्टूडेंट काम करना चाहते हो, एमएस ऑफिस पे काम करना चाहते हो, या कोई लोडेड फाइल पे काम करना चाहते हो, फिर तो आपके लिए 8GB बहुत है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या गेमिंग करनी है, 12GB रैम मिनिमम रख लेना, बिकॉज इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड जो है ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। तो आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पे यार मैंने रखी है ASUS VivoBook Ultra 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं भाई, अगर आपको 41,000 के बदले में एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन भी चाहिए, अगर आपको गेमिंग भी करनी है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी चाहिए, प्लस अगर आप कहीं पर लेकर जाते हो, कोई बंदा आपके लैपटॉप को देखता है, सच में कोई बंदा जज करेगा कि भाई लैपटॉप का प्राइस बहुत सही है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये लुक देता कि ये 40,000 के बजट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको 2020 मॉडल देखने को मिलेगा, आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलता है, 8GB रैम मिल जाता है, 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो, प्लस आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले बता दिया स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन है, 3 कलर्स में देखने को मिलता है, एंड इसके बैटरी बैकअप की बात करूं, आपको 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद इसका वेट यार 1 kg 800 ग्राम सिर्फ इसका वेट देखने को मिलेगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ASUS लैपटॉप के भी बता दिया, सच में लैपटॉप का जो डिज़ाइन है या कलर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा लुक सही देते हैं, एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए वो भी बहुत अपर आपको मिल जाता है। आपको i3 देखने को मिल जाता है 11th जनरेशन के साथ, SSD देखने को मिल जाता है, 16GB तक आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, एंड आपने करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने 8GB रखनी है। अगर आपको लाइक एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो आपने 16GB रैम मिनिमम रखनी है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पर यार मैंने रखा Acer Inspire 5 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले यार अगर इसके बजट रेंज की बात करूं, आपको अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आप इस लैपटॉप की और चले जाना, बिकॉज आपको 45,000 के बजट में स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाते हैं। आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाती है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको 2GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो भाई इस पे तो आप नॉर्मली गेमिंग भी कर सकते हो, एंड नॉर्मली आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, अगर आपने 4K भी ट्राई करना आप कर सकते हो, बस आपने 16GB रैम मिनिमम रख लेनी है, 2GB आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, i5 के साथ आपको 10th जनरेशन के साथ देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है, रैम भी तगड़ी हो जाएगी, एंड आपको ग्राफिक कार्ड भी 2GB मिल जाएगा। तो भाई आपने जैसे भी यूज करना है आप कर सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको सभी लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन बता दिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका बजट इंक्रीज हो जाता है, अगर आप 45,000 या 46,000 पे कर सकते हो, आपके लिए Acer Inspire 5 या MI Notebook 14 बेस्ट डील हो सकती है। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगती है आप उसके और जा सकते हो, एंड अगर आपका बजट 41,000 है, इस बजट रेंज में ASUS जो है वो बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, आप ASUS के लैपटॉप की ओर चल जाना, वो बहुत आपको स्पेसिफिकेशन तगड़े मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपका बजट 35,000 है, तो इस बजट रेंज में भाई आप जा सकते हो Lenovo IdeaPad Slim 3i की ओर, ठीक है, वो लोडेड मिल जाता है ऐसा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्लस उसके साथ आपको बैग मिल जाता है, एंड अगर आप 5% या 10% ऑफ ले लेते हो उसका प्राइस और भी कम हो जाएगा, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। तो यार अभी मैंने आपको वीडियो एडिटिंग के लिए भी लैपटॉप बता दिया, गेमिंग के लिए भी बता दिया, अगर आप ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एनिमेशन करते हो, कार्टून ड्रॉ करते हो, कुछ भी करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, या अगर आप कोडिंग करते हो, आप सभी के लिए जो मैंने लैपटॉप बताया वो बेस्ट डील हो सकते हैं। अभी आगे मिलते हैं, कोई नया टॉपिक वगैरह लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।